आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो है गणित पढ़ने के कौन कौन से लक्ष्य होते हैं। देखिए, दो टर्म होता है आपका लक्ष्य और उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो दोनों क्या होते हैं, डिफर होते हैं। अगर देखा जाए तो जो आपका उद्देश्य होता है वो एम की अपेक्षा क्या होता है, शॉर्ट होता है। ये क्या होते हैं, किसी विशेष विषय वस्तु पर केंद्रित होते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, लेकिन एम्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, राष्ट्रव्यापी हो सकते हैं, विश्वव्यापी हो सकते हैं। मतलब जो लक्ष्य है जहाँ पे हमें पहुँचना है, जो जिस लिए हम क्या करते हैं, आप या हम गणित का अध्ययन करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे किस में आएंगी, गणित के लक्ष्यों में आएंगी, और उसी के अंतर्गत आपके विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, तो गणित शिक्षण के ऑब्जेक्टिव भी वैसे होते हैं जैसे शिक्षण के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे आपका सामान्य और विशिष्ट। और अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा भी अंदर डोमेन आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने देखी है, उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन लक्ष्य की अगर हम बात करेंगे तो लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव से व्यापक होता है, राष्ट्रव्यापी होता है, दीर्घकालीन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो हम गणित जो पढ़ते हैं उसका लक्ष्य क्या है, या कौन सा ऐसी मंजिल है जिसको पाने के लिए गणित पढ़ाई जाती है, तो आज हम उस विषय का अध्ययन करते हैं। तो जैसे आपने बंडूरा का सिद्धांत पढ़ा अधिगम का, उसी पर्पज पर हम देखेंगे, उसी के कॉन्सेप्ट पर देखेंगे कि कैसे हम गणित के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके इसमें तीन पक्ष होते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, और तीसरा आपका पोषण क्या होता है, ज्ञानात्मक। ठीक है, तीनों के बीच जब अंतःक्रिया होती है तभी आपका क्या होता है, आपकी लर्निंग होती है, और ये लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो हमें जब बालकों को जो चीज़ सिखानी है तो उसमें जब हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो वो भी इन्हीं तीन चीज़ों पर डिपेंड होना चाहिए। जैसे आपके अगर गणित शिक्षण के लक्ष्य की बात की जाए तो पहला उसका लक्ष्य अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत विकास आपके जो होंगे। अब व्यक्तिगत विकास मतलब क्या, जीविकोपार्जन, आपका पेट भरना चाहिए, पहनने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, खाने के लिए खाना होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए। तो आपका जो जीविकोपार्जन वो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गणित, और इसलिए हम गणित पढ़ते हैं कि हमारा जीविकोपार्जन अच्छे से हो जाए। फिर दूसरा आपका जो यहाँ पे सामाजिक परिप्रेक्ष्य, तो उसमें जैसे सम्मान आ गया, आनंद आ गया, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, समुदाय आ गया, संस्कृति आ गई, इत्यादि बहुत सारे टर्म है। यहाँ आपको हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं, यहाँ हर चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कौन सा ऑप्शन आपको दे रहा है और आप किस प्रकार से उस पर चिंतन करेंगे गणित शिक्षक के तौर पे। तो देखेंगे हम कि जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य अगर देखते हैं तो इसमें भी जो लक्ष्य होते हैं गणित के वो बहुत ब्रॉड होते हैं। जैसे आपने देखा आपके सिलेबस में होगा सामुदायिक गणित, तो सामुदायिक गणित क्या होती है, सामुदायिक गणित वह गणित है जो समुदाय के बीच में कार्य करती है, या समुदाय के लिए आवश्यक होती है, या सामुदायिक कार्यों में यूज़ होती है। जैसे आप जानते हैं कितने संख्या में आपको, जैसे गेम खेलते हैं तो उसमें कहते हैं कि इसमें 11 प्लेयर रहेंगे, इसमें 11 प्लेयर रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि वो 11 काउंटिंग की ना, कि हाँ दो ग्रुप्स बनाए, दो ग्रुप्स डिवाइड किए, फिर उनके बीच क्या किया, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराई। तो बहुत सारी ऐसे सामुदायिक कार्य होते हैं जिसमें हमें गणित की आवश्यकता होती है। उन सभी कार्यों में जो गणित इस्तेमाल होता है उसी को सामुदायिक गणित कहते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा सांस्कृतिक परिपेक्ष भी गणित का बहुत ब्रॉड है। सांस्कृतिक परिपेक्ष की अगर हम बात करें गणित में, तो संस्कृति में भी गणित का बहुत बड़ा योगदान है, आप जानते हैं, क्योंकि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, और इसी ब्रह्मांड में हमारा विश्व भी है, इसी विश्व में विभिन्न संस्कृतियाँ भी निवास करती हैं। संस्कृति क्या है, हमारे जो आचार विचार है जो पूर्वजों द्वारा दिए गए हैं उनके प्रति हमारी जो आस्था होती है उसे हमारी संस्कृति कहते हैं। संस्कृति कोई मूर्त नहीं, अमूर्त चीज़ होती है। ऐसे कहते हैं हमारी संस्कृति में नहीं है, या ये हमारी संस्कृति में है, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं होता, ऐसे विवाह होता है। तो जो चीज़ें आचार विचार हमारे पूर्वज हमें दे के गए हैं उसका अगर हम उसके प्रति आस्था रखें तो संस्कृति है। इसमें भी आपकी गणित क्या होती है, इसमें भी गणित आपकी यूज़ होती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर होता है। ऐसे सांस्कृतिक आपकी धरोहरें होती हैं, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें कैसे बनी, तो क्या कहीं ना कहीं उसमें गणित होता ही है। बहुत सालों से इतने योद्धा, इतने हाथी, इतने पैर, इतने चतुरंगनी सेना, कितनी सारी चीज़ें आपकी भारतीय
भारतीय संस्कृति में देखिए कि गणित का कितना बड़ा योगदान, चार वेद की बात की गई है, चार वर्ण की बात की गई, मतलब यहाँ देखिए जो चार संख्याएं जहाँ आ रही हैं, जहाँ आपके जहाँ भी नंबर्स आते हैं या उनसे ऐसी संख्याएं आती हैं जो गणित से संबंधित है, तो वहाँ पे जो गणित होता है वो सांस्कृतिक गणित के अंतर्गत लिया जाता है। इसके अलावा जो है, जो सबसे बड़ा आपका पोर्शन है इसमें, आनंद की प्राप्ति के लिए भी आप क्या करते हैं, गणित को यूज़ करते हैं। और ये बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, क्योंकि गणित पढ़ना एक बोझ नहीं है, गणित एक ऐसा आनंद है जो सबके बस का नहीं है। अगर आपको गणित में आनंद आता है तो आप किसी भी विषय को नहीं छूना चाहते, ये गारंटी मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं गणित के स्टूडेंट हूँ। मैंने देखा है कि जब भी हम गणित पढ़ते, जब नहीं समझ में आता तब तो उसको छूने का नहीं मन करता, लेकिन जब वो समझ में आता तो लगता है और लगा लो, और लगा लो, और लगा लो, और ज़्यादा कर लो। तो जब आपको आनंद की प्राप्ति आने लगे, कितना प्राउड फील होता है कभी कभी कि हाँ, हम गणित हमें आती है, या तुरंत वो काउंट कर रहा है, अगर आपने उससे 2 सेकंड पहले बता दिया तो कितना प्राउड फील होता है। ये जो मेंटली, ये देखिए गलत है, ये सबसे अच्छा विषय नहीं है, लेकिन एक अच्छा विषय है। तो हमें क्या होता है कि जो गणित हम पढ़ते हैं उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है क्या, आनंद की प्राप्ति। अगर ऐसे देखें तो जो दो या दो से ज़्यादा मनुष्य जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, समुदाय जो एक जैसे गुण वाले मनुष्य होते हैं, या जो हमारा समाज है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, उसमें भी गणित के बहुत ही ब्रॉड लक्ष्य होते हैं। इसके अलावा जो समाज की, अगर इसमें में अगर आप रख सकते हैं राष्ट्रीय लक्ष्य भी होते हैं गणित के, आपको पता होगा हाँ, कितना कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कितना बैलेंस करना है, किसको कितने भोजन की ज़रूरत है, कितना हमको बाहर से आयात करना है, कितना निर्यात करना है, ये सब चीज़ें राष्ट्रीय तौर पे चीज़ों का संचालन करने के लिए भी हम गणित का यूज़ करते हैं। और ये इसलिए गणित का एक राष्ट्रीय लक्ष्य भी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर हम देखें कि जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, यानी हमारा जो मेंटली प्रोसेस होता है, तो आपने देखा होगा कि जिनकी गणित अच्छी होती है उनकी रीजनिंग अच्छी होती है, तर्क अच्छा कर सकते हैं। तो तर्क अच्छा कर सकते हैं, तो तर्क कर रहे हैं, समस्या समाधान कर रहे हैं, संपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, दो चीज़ों में अंतर संबंध बना रहे हैं, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा डेवलप कर जा रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए, तो अगर गणित की बात की जाए तो इसका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, इसमें देखा जाए तो अनुशासन स्थापना के लिए भी गणित बहुत इंपॉर्टेंट है। और गणित का एक बहुत व्यापक लक्ष्य है अनुशासन की स्थापना, कि हर चीज जो होगी वही रहेगी, मतलब जैसे एक का मान एक ही रहेगा, दो नहीं होगा। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि कक्षा में आपका अनुशासन हुआ, उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट के अनुशासन की, जो इंटरडिसिप्लिनरी आपके अप्रोचेस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, कि गणित के संबंध जो हैं अन्य विषयों से भी होते हैं। ऐसे गणित का जो लक्ष्य होता है वो अन्य विषयों के समस्याओं का भी समाधान करने लिए होता है। आप फिजिक्स पढ़ते तो बिना गणित के नहीं पढ़ सकते, उसमें जो आप न्यूमेरिकल लगाते हैं वो भी गणित के लिए इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री पढ़ते तो उसमें भी फॉर्मूले लगते हैं, कितना एच होगा, कितना ओ होगा, ये सब चीज़ें, कितने मात्रा में हम कितना कंटेंट लेंगे कि ये रसायन बनेगा। आप हिंदी पढ़ते तो उसमें भी इतने स्वर होते हैं, इतने वर्ण होते हैं, इस प्रकार से व्यंजन होते हैं, ऐसे शब्द बनता है, इतने कारक होते हैं। देखिए हर जगह गणित आ रहा है। फिर आप देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन में भी, तो हाँ हिस्ट्री है तो सन देख रहे हैं कि सन क्या इस सन में हो रहा है, उस सन में हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। आप देखते होंगे कि बिना गणित के जीवन कितना जटिल हो सकता है, अगर हम उसकी कल्पना करें कि अगर एक दिन हम गणित का यूज़ ना करें तो शायद हमारा दिन अच्छे से कट पाएगा। यही सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम गणित के लक्ष्यों के रूप में निर्धारित कर दें। कुछ गणित के नैतिक पक्ष भी होते हैं या नैतिक लक्ष्य भी होते हैं, कुछ जो गणित के चारित्रिक लक्ष्य भी होते हैं। तो आपको यही समझना है कि गणित पढ़ने पर हम जिस स्थान पर पहुंच सकते हैं वो सारे क्या है, आपके गणित के लक्ष्य होते हैं। फिर अगर बात करें तो जो चरित्र का निर्माण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। तो माना जाता है कि एक अच्छा गणितज्ञ एक अच्छे चरित्र वाला हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन जो चीज़ें वास्तव में गणित के जो एज अ सब्जेक्ट अगर ले तो उसके सब्जेक्ट में जो उसकी प्रकृति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अगर आप घबरा रहे हैं कि नहीं ये कहाँ से पढ़ा रही हैं, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा आप हतोत्साहित मत होइएगा, चीज़ें आपके पास धीरे धीरे आएंगी, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपका गणित है उसकी इम्पोर्टेंस तो जो है वो हमें जाननी पड़ेगी, और गणित
कहाँ किस मंजिल पे हमें ले जाएगा ये हमें जानने की आवश्यकता है, और उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कौन कौन से उद्देश्य हमारे होंगे ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें गणित में जो हमें बहुत ज़्यादा हमारे अंदर हेजिटेशन लाती हैं उसका भी अध्ययन करने की ज़रूरत है। जैसे दैनिक जीवन में हमें बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिनको अगर हमें सॉल्व करना है तो बिना गणित के नहीं कर सकते, तो इसलिए दैनिक जीवन के कार्यों की सरलता के लिए या सुनियोजित करने के लिए या क्रमबद्धता के लिए हमें क्या करना चाहिए, गणित का अध्ययन करना चाहिए। तो ये भी गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु। तो बहुत सारे आपके लक्ष्य हैं जिनमें से ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिसको आपको जानना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, गणित अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा आनंद आ सकता है यदि आप वास्तव में गणित की प्रकृति को समझ जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य अक्सर पूछा जाता है कि हाँ कि गणित पढ़ने का लक्ष्य क्या है, तो अगर उसमें आनंद प्राप्ति होता तो हम अक्सर उसको कट कर देते हैं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका लक्ष्य होता है कि इंसान क्यों चीज़ करता क्यों है, खुश रहने के लिए। जैसे आप बहुत मेहनत करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं घर वालों के लिए, जाते हैं दिन भर आप काम करते हैं, शाम को आते थक के, फिर ऐसा दैनिक जीवन, फिर जब सैलरी मिलती है तो आपको क्या मिलता है, आनंद मिलता है। फिर आप लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, अपने फैमिली की ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। वैसे गणित भी क्या है, गणित पढ़ने का भी मुख्य लक्ष्य क्या होता है, आनंद की प्राप्ति करना, तर्क क्षमता एकदम आपकी विकसित हो जाए, मतलब समस्या समाधान करना, ये आपके सामाजिक जो चीज़ें उसको फुलफिल करना, व्यक्तिगत चीज़ों को फुलफिल करना, नैतिक चारित्रिक राष्ट्रीय पक्षों को फुलफिल करना, ज्ञानात्मक पक्ष को फुलफिल करना, तो ऐसे व्यक्तित्व का विकास करना, एक नए एकदम अलग यूनिक व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें आपकी गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्यों के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि गणित शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम गणित पढ़ा सकते हैं।